खल दिन था सस्पेंशन का। एक तरफ आईपीएल सस्पेंड हो गया, दूसरी तरफ कंगना रनआउट हो गई क्योंकि उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया, और वहीं तीसरी तरफ सस्पेंड हो गई बिल एंड मेलिंडा गेट्स की 27 इयर्स ऑफ मैरिज। बिल गेट्स ट्विटर कम ही यूज करते हैं, तो जब भी करते हैं अनाउंसमेंट कुछ बड़ी होती है। ऐसी ही एक अनाउंसमेंट हुई कल, जिसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू अपनी 27 साल की मैरिज को एंड करने का डिसीजन बताया। बिल एंड मेलिंडा 1980 में माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हुए मिले थे। इन द अर्ली डेज ऑफ देयर रिलेशनशिप, एक दिन मेलिंडा अचानक बिल के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बिल अपने व्हाइट बोर्ड पर मेलिंडा से शादी करने के फायदे और नुकसान की लिस्ट बना रहे थे, ताकि वो एनालिसिस करके फैसला लॉजिकली ले सके कि मेलिंडा से शादी करनी चाहिए या नहीं। बट द क्वेश्चन इज, ठीक है ये डिवोर्स उनका पर्सनल डिसीजन है, हम इसकी बात इस चैनल पर क्यों कर रहे हैं? वेल, लेट मी गिव यू अ फैक्ट एंड आप खुद कहेंगे दैट यस वी मस्ट टॉक अबाउट इट। ये तो आप जानते होंगे कि एक टाइम पर बिल गेट्स वॉज द richest पर्सन ऑन अर्थ, बट डू यू नो कि उन्होंने इतने पैसे का किया क्या? वेल, बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि वो अपनी वेल्थ का 95% दुनिया को बेटर बनाने के लिए डोनेट कर देंगे। सारी लाइफ इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी वेल्थ कमाने के बाद, they decided to just donate it all. Isn't that amazing? In fact, इसमें से वो already $50 billion यानी लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए already donate कर चुके हैं। अपने तीन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी वेल्थ का 1% से भी कम हिस्सा छोड़ा जो उन्हें इनहेरिटेंस में मिलेगा। This should be an example for some Indian politicians जो सारी उम्र करप्शन के जरिए पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और फिर वो हजारों करोड़ अपने बच्चों को देकर चले जाते हैं, who generally have no idea what to do with that money। Bill and Melinda Gates ने The Giving Pledge नाम के initiative के जरिए दुनिया भर के और भी billionaires को अपनी वेल्थ का एक बड़ा पोर्शन डोनेट करने के लिए मोटिवेट किया है, जिसे 210 billionaires already ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें कई इंडियन नाम भी हैं, जैसे विप्रो के अजीम प्रेम जी, बायोकॉन की किरण मजूमदार और इन्फोसिस के नंदन नीलेकानी। आप शायद जानते नहीं होंगे, बट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के काम का सबसे बड़ा फोकस इंडिया है। इंडिया से पोलियो खत्म करने का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स ही हैं, जिन्होंने सालों साल की मेहनत और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया में एक एक बच्चे तक पोलियो वैक्सीन पहुंचाई और इसे जड़ से खत्म किया। इनफैक्ट इसके लिए उन्हें 2015 में इंडिया की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा भी पिछले 15 साल से बिल एंड मेलिंडा गेट्स लगातार दिन रात इंडिया और दुनिया के सबसे टफ चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस न्यूज के बाद सबके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि डिवोर्स के बाद इस फाउंडेशन का क्या होगा, क्योंकि फाउंडेशन का सारा काम शुरू से बिल एंड मेलिंडा इक्वल पार्टनर्स की तरह चला रहे थे। वेल, अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है कि वो डिवोर्स के बावजूद फाउंडेशन पर जिस तरीके से पहले मिलकर काम कर रहे थे वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। ऑल्दो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि दोनों की जॉइंट वेल्थ, जो इस सारी डोनेशन के बाद भी अभी 11,00,000 करोड़ रुपए के आसपास बाकी है, वो कैसे स्प्लिट हो पाएगी। रिसेंटली एक और सेपरेशन सामने आया था जब अमेज़न के जेफ बेजोस और उनकी वाइफ मैकिन्जी स्कॉट फाइल फॉर अ डिवोर्स, जिसके बाद डिवोर्स सेटलमेंट में मैकिन्जी को मिले लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए, जिसके चलते रातों रात मैकिन्जी दुनिया की richest वुमन बन गई। टू हर क्रेडिट, इस वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा वो भी चैरिटी और फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज में ही दे रही हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स की स्टोरी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। पहले अपनी इंटेलिजेंस और मेहनत से उन्होंने दुनिया बदलने वाली माइक्रोसॉफ्ट बनाई और फिर उससे कमाए हुए लगभग सारे ही पैसे इंडिया और दुनिया भर के चैलेंजेस को खत्म करने में लगा दिए। जहां वो सुकून से अपनी सारी जिंदगी एक बीच रिजॉर्ट में बिता सकते थे, उसकी बजाय उन्होंने ज्यादा मुश्किल रास्ता चूज करके दुनिया के लिए काम किया और मेहनत आज भी जारी है। डिस्पाइट दिस न्यूज, वी होप दे कंटिन्यू मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एजेस टू कम।